वर्ष की तरह इस वर्ष भी आधारताल रविंद्र नगर स्थित भानुशाली भवन में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परम पूज्य देव जी परब्रह्म के इस वार्षिकोत्सव में भक्तगणों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सबसे पहले भानुशाली भवन में मौजूद मूर्ति की पूजा अर्चना की गई और इसके बाद भवन के भीतर ही आयोजन किया गया। इस आयोजन में महादेव की सुपरिचित और बहुत ही सुंदर झांकी निकाली गई। इसके बाद यहां पर सुंदरकांड का पाठ किया गया, हवन किया गया, दिन में भंडारा किया गया, भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, शाम के वक्त भी भगवान के भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। श्रोताओं और भक्तगणों ने इस मौके पर भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन पाया और श्रद्धालुओं ने भगवान के सामने नृत्य करके अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आयोजन समिति की तरफ से लक्ष्मणदास केसवानी ने बताया कि प्रतिवर्ष यह आयोजन इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है और इस वर्ष भी यह आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन में दिलीप शर्मा, मयंक वर्मा, लक्ष्मणदास केशवानी, मदन केशवानी, जय किशन केशवानी, घनश्याम केशवानी, विक्रम खत्री के संग समस्त भानुशाली परिवार का सहयोग रहा। ये प्रॉब्लम की चली हर साल हमारे तरह से यहाँ पे दिलीप महाराज के दीक्षा में हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं। इनके पिताजी भी मनाते रहे, इनके दादाजी भी, हम लोग हर साल सब लोग मिलकर मनाते हैं और बहुत लोग यहाँ से आते हैं और जो सदाशिव के नाम से सब लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और हम लोग सब उनके साथ सदाशिव के नाम से सब लोग लाभ उठाते हैं इसका। आज भी बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हमारी यही है कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सुबह से यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? यहाँ पे सुबह अभिषेक हुआ है, सुंदरकांड हुए हैं, उसके बाद जग को यहाँ पे हवन हुए हैं, उसके बाद भंडारा चला हुआ है, अभी शाम को शंकर भगवान के गीत होंगे और उसके बाद फिर शाम के दिन फिर प्रसादी होगी और सब लोग यहाँ पे सभी हिस्सा देंगे। जी जी जी, मैं लक्ष्मीदास केसवानी, भानु भगवान भंडारा। आज पार्वती जी हमारे इष्ट देव उनका जयंती मनाई जाती है और ये पारब्रह्म देव जी की उनको कुसुम रूपी एक छड़ी प्राप्त हुई थी तपस्या में, वो उनका एक अंश यहाँ पर छड़ी के रूप में यहाँ पर स्थापित है, उन्हीं का पूजन अर्चन और सम्मान आज भी सब मनुशाली परिवार समेत आज हम सभी मिलकर बड़े उत्साह से और बड़ी संप्रदा से ये छड़ी उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें सभी लोग शामिल होकर और जिस उत्सव का लाभ ले। जी सर, बताएं सर आज के कार्यक्रम के बारे में। दिलीप महाराज शर्मा यहाँ के मैं करीब यहाँ 30-40 साल से जगह में रहता थे, प्रति वर्ष ये उनका मनाया जाता है जन्म उत्सव पारब्रह्म के उत्पन्न जी का और एक पंचम भगवान की मूर्ति पारब्रह्म तो इनका आखिरी बार बना रहे जिनके हम लोग पंचित होते हैं मुझे गाँव होती का जी।